आज हम घर पर ही बनाएंगे बढ़िया मलाईदार सॉफ्ट क्रीमी पनीर। पनीर की सब्जी बनानी हो तो आप मार्केट से पनीर खरीद के लाते हैं, पर जितनी देर में आप मार्केट जाके आते हैं उससे कम समय में ये घर पे बनके तैयार हो जाएगा। बिना मिलावट वाला घर का बनाया हुआ मलाईदार पनीर खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक करें, उसके बाद ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए पनीर बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क, साथ ही में मैंने यहाँ पे लिया है 2 चम्मच विनेगर और उसमें मैंने 2 चम्मच पानी मिलाया है। आप चाहे तो नींबू का रस या फिर दही भी यूज कर सकते हैं। मैंने इस तरह के चम्मच से 2 चम्मच विनेगर लिया है। सबसे पहले दूध को उबालने के लिए रख देंगे। जैसे ही दूध में उबाल आ जाए हमें इसमें जो विनेगर और पानी का मिक्सचर रखा है उसको मिलाएंगे, पर एक साथ नहीं डालेंगे, हम पहले आधा डालेंगे और बाद में आधा डालेंगे। आधा मैंने विनेगर यहाँ पे डाल दिया। एक दो बार इसे अच्छी तरह से मिला दें। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके विनेगर डालने से या फिर नींबू का रस या फिर दही डालने से पनीर सॉफ्ट बनता है, कड़क नहीं होता। दोबारा जो बचा हुआ विनेगर और पानी का मिक्सचर है इसे भी हम डाल देंगे, अच्छी तरह से मिलाएंगे। अभी दूध अच्छी तरह से फट चुका है। स्टेज पे हम गैस स्टोव को बंद कर देंगे। गैस स्टोव को बंद करके हम फिर बर्तन को नीचे उतार लेंगे और इस तरह का एक छन्नी ले लेंगे, इसमें हम सारा जो पनीर है इसे छानेंगे। पनीर को छानने के बाद जो पानी बचता है ये प्रोटीन रिच होता है, आप इसे दोबारा पनीर फाड़ने के लिए या आटा गूंदने के लिए यूज करें। मैंने पनीर में थोड़ा सा सादा पानी डाल के इसे धो दिया ताकि विनेगर का जो हल्का स्मेल है वो निकल जाए। एक साफ सूती कपड़ा ले ले और इसके ऊपर हमने जो पनीर बनाया है इसे डाल देंगे। अच्छी तरह से इसे थोड़ा सा चम्मच से दबाते हुए शेप देने की कोशिश करें। फिर कपड़े को चारों तरफ से हम इस तरह से लपेट देंगे। पनीर को सेट करने के लिए आप कहीं पे भी बांध के रख सकते हैं या फिर जो चकला है इसे ले ले और इसके ऊपर ऐसे इसको रखते, फिर पानी से भरा हुआ एक बर्तन इसके ऊपर हम रख देंगे। कोई भी भारी चीज हमें इसके ऊपर दबानी है ताकि पनीर अच्छी तरह से सेट हो जाए। इसी पोजीशन में हमें इसे 20 से 30 मिनट तक रखना है। 20 मिनट हो चुका है, स्टेज में मैं इसे खोल के देखती हूँ। पनीर अभी अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं तो बर्फ मिलाया हुआ पानी के अंदर इसको थोड़ी देर डाल के रखें, फिर इसे डिब्बे में डाल के स्टोर करें, या फिर काट के इसको छोटे छोटे पीसेस में फिर इसे सब्जी बनाने में यूज करें। मैं इसे अभी काट रही हूँ, इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में इसको काटते। 1 लीटर गाय के दूध में करीब 200 ग्राम पनीर और 1 लीटर भैंस के दूध में करीब 250 ग्राम पनीर बन के तैयार हो जाता है। आप इस पनीर को घर पे जरूर ट्राई करें और वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें।